ग्राम सरसई माधा बाबा मंदिर वाले रोड पर किसानों और शासन प्रशासन के बीच गहरा तनाव बना हुआ है। इस रोड बनने में एक बात स्पष्ट सामने आ रही है कि भंडार प्रशासन द्वारा पारदर्शिता के साथ काम नहीं किया जा रहा है। भंडार विधायक रक्षा संतराम सरोनिया के द्वारा भूमि पूजन होने के बाद भी रोड की नाप को लेकर समस्या बनी हुई है। रोड की नाप को लेकर भंडार प्रशासन और स्थानीय किसानों के बीच विवाद बना हुआ है और हमारे द्वारा भंडार SDM और तहसीलदार से बात करने का प्रयास किया गया तो दोनों ने बात करने से इनकार कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम में मानो ऐसा लग रहा है जैसे कि भंडार विधायक का भंडार के प्रशासन पर दबाव बना हो। नमस्कार, सारी विषय में महेंद्र सिंह कुशवाहा और इस समय वो सरसई धमना माधव बाबा जो रोड डल रहा है अभी भी यहाँ पे विवाद की स्थिति बनी हुई है। प्रशासन और यहाँ के स्थानीय किसानों के बीच में अभी भी यहाँ समझाने का प्रयास किया जा रहा है RI पटवाई के द्वारा। आइए इस मामले में यहाँ पे RI मौजूद है, उनसे बात करते हैं क्या मामला है और क्या किया जा रहा है ऊपर से। क्या नाम है आपका? विश्वम्बर दयाल मांझी जी। RI साहब ये बताइए, ये पूरा मामला है क्या, सही से बताइए। कुछ नहीं है, सरसई और धमना का मेड़ा है जी, ठीक है ना जी। इस मेड़े से रोड डलना है जी, ठीक है ना। ये सरसई धमना का मेड़ा है, सीमा है। हाँ। क्या यहाँ पे शासकीय सड़क की कोई पहले से यहाँ पे शासकीय सड़क निर्धारित है? सड़क नहीं, मेड़ा शासकीय होता है। मेड़ा शासकीय, सड़क तो निर्धारित है क्या पहले? नहीं नहीं है। नहीं, फिर बताइए आगे। उसके बाद जो जाना है मंदिर के लिए, मंदिर के लिए तो ये मेड़ा कितनी लंबाई में कितनी चौड़ाई में निकल रहा है? लंबाई तो काफ़ी है, चौड़ाई 13 फुट की है। एक समान 13 फुट है? हाँ, जो दोनों गांव की जो सीमा रहती है वो एक समान है? बिल्कुल एक समान, हर जगह रहती है वो जी, मतलब यहाँ नहीं है, पूरी MP की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल 13 फुट की है। हाँ, आप ऊपर से जो विधायक द्वारा यहाँ पर रोड डलना है वो कितना प्रस्ताव में कितना चौड़ा वो मुझे नहीं पता। नहीं पता, ठेकेदार जी कहाँ? बताइए ठेकेदार जी, ये जो रोड है ये कितने फुट चौड़ाई में प्रस्ताव में? ये 13 में डलना है, आदेश अभी आया है। ये 13 में डलना, पहले कितने का आदेश था? ये 30 फिट का है। पहले 30 फिट का था जी। आप 13 में किसके द्वारा किया गया? 13 में कहाँ से किसके द्वारा आदेश आ गया? ये अभी ऊपर से आया, SDM द्वारा बताया गया। SDM द्वारा आदेश आया कि 13 फुट में डलना है वहाँ करोड़ का। तो इसके पहले 30 फुट में था, तो क्या पहले ये तैयारी नहीं थी कि यहाँ पे कितने कितने फुट में यहाँ पे मेड़ा है? जी, हम लोग का नहीं होता, ये जो कंपनियाँ रहती हैं सर्वे वाली उनका रहता है। कंपनी यानी ये RI पटवारी जी, PWD का, PWD जी। तो ये नाप हुई थी तो पहले भी तो हुई थी नाप? तो RI साहब एक बात वो जानना चाहते हैं कि एक साल पहले भी ये नाप हुई थी तो ये लोगों का आक्रोश है, सवाल है आप पे कि पहले नाप आपने कहीं और की थी और अब नाप आप कहीं और कर रहे हैं, तो इसमें आप ईमानदार हैं या बेईमान? पहले मैं था ही नहीं, मुझे पता ही नहीं, पहले नहीं थे तो क्या आप, ये सही है आपकी? मैं तो क्या कहेंगे, वो गलत थे वो RI साहब? नहीं, मैं उसकी कुछ नहीं कह सकता, मैं अपनी बात कर सकता हूं। तो जमीन तो एक ही है, फिर उसकी अलग अलग नाप कैसे हो सकती है? क्या पता उन्होंने किस तरीके से की जी। तो 13 फुट ही है ये, तो देखा आपने यहाँ किस तरीके से मतलब तनाव बना हुआ है अभी भी रोड का। तो यहाँ और लोगों से भी अभी जानना चाहेंगे कि वो उनकी क्या राय है, वो क्या कहना चाहते हैं इस बारे में। जी दादा जी, यहाँ पर आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं कि SDM साहब का आदेश आया और पटवारी साहब बता रहे हैं कि 13 फुट में ही रोड निकाला जाएगा, आपके ठेकेदार जी बता रहे हैं कि 13 फुट में रोड निकाला जाएगा, 13 फुट इनकी शासकीय जमीन निकल रही है दोनों गाँव की सीमा की मेड़ की, अब आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? हम जो कहना चाहते हैं कि 13 से 13.5 में नहीं डारन दें हम जी। हाँ, माने 13 निकल रही तो 13 में खूब प्रेम पूर्वक डार सका जी, और 13 से 13.25 और 13.5 में नहीं गिरन दें हम, प्राण दे दें मर जाए हुई जी। हाँ, इस बारे में और आप क्या कहना चाहेंगे कि पहले नाप कहीं और हुई थी, अब नाप कहीं और? पहले 15 करीब 72 पे नाप करी थी। और इसमें क्या कहेंगे आप इस बारे में? इस बारे में फिर समाधान जो कर ला, तो आपस में मैंने RI साहब ने पटवारी साहब ने कि जब बीच में जो मेड़ बनी चाहे बा तरफ बारे टोरे हो चाहे जा तरफ बारे टोरे हो, जा से आधी आधी कर दो जी। हाँ, सो आधी आधी करत ना कर चले गए थी, तो अभी वो अब जातर पे कर दी। अब सर क्या कहना चाहेंगे आप, कौन सी आप दोबारा नाप चाहते हैं, आप इसी नाप पे बनवाना चाहते हैं? यानी इसी नाप पे बनवा दो, जो मंजूर कर गए थे वहाँ पे बनवा दो, अकेले 13 से 13.5 नहीं हुज्जे। हाँ, आप बताइए। मेरा नाम राम कुमार सेन जी, 10 बीस मेरे पास जमीन है, 10 बीस जमीन है, केवल 10 बीस जमीन, गरीबी रेखा में आते हैं हम लोग जी। और हमारे रोड पर
इन लोगों ने रिश्वत लेके मुंह देखा बिहार करके जी। इन्होंने एक तरफ मेरे ही खेत में नाप की गई, ना कि दूसरे खेत में मेरी जगह रिश्वत लेके आपके मतलब गलत नाप की गई आपका इल्जाम। हाँ, ये मेरा कहने का मतलब मेरे खेत को क्यों नापा गया जी, आप ही के मतलब मेरे खेत में साफ सड़क निकाल ली गई 13 फीट, मेरे खेत में 10 बीसे के खेत में 13 फीट निकाल ली गई। तो अभी जो नाप इससे आपको एतराज है? बिल्कुल सर, मुझे कोई संतुष्टि नहीं है। क्या चाहते ना होते हुए नाप डाली इन्होंने, ना मुझे बुलाया ना कोई सूचना दी गई। मुझे पता चला कि तुम्हारा अकेला खेत नप रहा है। तो देखा आपने पेड़े पेड़े? हाँ जी सर, पूरे पेड़े पटक दिए, मुझे कोई जानकारी ना दी, कोई सूचना नहीं। हमारे पेड़े थे और एक तरफ नाप हो रही है जी। हमारा रकबा दे दिया जाए, 10 बीसे का है, 2 बीसे का है, इसके बाद आप पूरी शासन की है वो ले सकते हैं। मामला ये आ रहा है सामने कि जो नाप हो रही है वो ईमानदारी से सही तरीके से नहीं हो रही है, वो साफ नज़र आ रही है। इनका भी ये कहना है कि भाई रिश्वत लेके ये गलत नाप की गई, केवल हमारे खेतों में सड़क की सड़क दिखाई गई। ये ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक साल पहले जो नाप हुई थी वो कहीं और हुई थी और अभी जो नाप की गई वो कहीं और हुई है। तो अब देखना होगा कि आगे यहाँ पर क्या होता है, प्रशासन 13 फुट में कैसे रोड निकालते हैं किस तरीके से, और यहाँ तक लोकल के किसान कितना सपोर्ट करते हैं कितना विरोध करते हैं, ये आपको आगे देखने को मिलेगा। और आगे आपको बताएंगे कि इस बारे में वरिष्ठ अधिकारी तहसीलदार SDM क्या कहना चाहेंगे, उनसे भी हम बात करके आपको बताएंगे कि इस पर क्या आगे होगा। सर वो सरसई रोड के बारे में बात करनी है, माधव बाबा के बारे में। SDM साहब बोल रहे हैं, आपसे बात करें। क्या कारण है सर? न्यायालय चल रहा है यार, न्यायालय में भी न्यायालय काम कर रहा है। ठीक है, तो इसके बाद बात कर सकते हैं। अभी हम यहीं सरसई मौजूद हैं, सरसई धमना के सीमा पर मेड़े पर। यहाँ एक आपको बताएं, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात सामने और आई है कि RI साहब जो बड़े इस पर शब्दों में हमें बता रहे थे कि जो दो गांव की जो सीमा होती है, जो मेड़े होते हैं, वो 13 फुट होते हैं। लेकिन हैरानी की बात ये है कि यहाँ पे ये जो मेड़ा है, आप दिखाइए कैमरा मैन से कहना चाहेंगे, ये जो मेड़ा यहाँ से लेके यहाँ तक इस कोने तक जो नाप की गई है मेड़े की, इसकी चौड़ाई 11 फुट सामने आई है। ये आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। अब बात सामने आती है, RI साहब जो बोल रहे थे कि पूरे मध्य प्रदेश में कोई भी मेड़ा हो 13 फुट उसकी चौड़ाई होती है, लेकिन उन्हीं के द्वारा ये नाप की गई है। RI बिशंबर प्रसाद जो माझी जी हैं, उन्हीं के द्वारा ये नाप की गई है और इसकी चौड़ाई 11 फुट सामने आई, आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगी। हो गया थी 11.5 फुट। पकड़ो। बीबी जवाब है 11.5, 35। घटनाक्रम में सरसई धमना जो मेड़े सीमा का जो विवाद है, जो रोड है, इसमें एक चीज सामने आई है कि इस जो ये जो रोड डाला जा रहा है विधायक जी द्वारा, PWD विभाग जी द्वारा ये रोड जो डाला जा रहा है, इसमें जो नाप है, नाप को लेकर भांडर प्रशासन द्वारा सही तरीके से पूरी पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है। ये सामने के आ रही कि पहले एक साल पहले जो नाप हुई थी वो कहीं और हुई थी RI द्वारा, अब जो दूसरे RI हैं ये नाप कहीं और हुई है। और आगे चल के आज हमने भांडर SDM से बात करने की कोशिश की, तो भांडर SDM का कहना रहा कि अभी हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं आई है इस संबंध में, अभी हम आपसे कोई जानकारी नहीं दे सकते हैं। तहसीलदार को हमने काम दिया, तहसीलदार से आप बात कर सकते हैं। जब भांडर तहसीलदार सूर्यकांत त्रिपाठी से हमने बात करने की कोशिश की तो तहसीलदार साहब ने कहा कि अभी हम न्यायालय में हैं, तो हमने कहा आप बाद में भी आप बात करेंगे, वो नहीं, उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि हम कोई बात नहीं करेंगे। तो एक तरीके से ये साफ जाहिर हो रहा है कि हो सकता है शायद भांडर प्रशासन पर क्या राजनेताओं का, क्या सत्ता पक्ष का कोई दबाव है, कोई प्रेशर है, जिस तरीके से स्पष्ट तरीके से नहीं बताया जा रहा है कि ये जो रोड सरसई धमना रोड सीमा से निकाला जा रहा है, ये कितनी चौड़ाई में निकाला जाएगा, ये स्पष्ट तरीके से नहीं बताया गया। जैसे आपको पहले आपको देखने को मिला कि RI से बात हुई तो उन्होंने बताया कि 13 फुट निकला, जबकि यहाँ पे 11 फुट है, 11 फुट नाप है यहाँ की ये चौड़ाई की। और ठेकेदार से ही बोला कि अब ये जो सरकारी जो सीमा जो निकली है वो 13 फुट निकली है, तो क्या आप जो 30 फुट का जो प्रस्ताव था, जैसा आप बता रहे थे कि 30 फुट में ये रोड डलना है, तो क्या अब वो 30 फुट में डल पाएगा? उन्होंने कहा नहीं, 13 फुट में डलेगा। तो फोन द्वारा पटवारी जी उनका कहना रहा कि नहीं, अब 13 फुट का आदेश आ गया। एक तरीके से गोल मोल जवाब दिए जा रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी द्वारा, सही तरीके से स्पष्ट तरीके से नहीं बताया जा रहा है कि इस रोड का ये सीमा है,
ये इसकी कितनी चौड़ाई है और कितने में ये रोड डाला जाएगा। एक चीज़ और सामने आ रही है कि ये जो रोड दो साल तीन साल से विवाद में चल रहा है, इसकी सही तरीके से तैयारी नहीं की गई है अधिकारियों द्वारा कि यहाँ पर रोड कितनी सीमा में कितनी चौड़ाई में निकाला जाएगा, इसकी कोई तैयारी नहीं की गई है। ये बात सामने आ रही उनके सही तरीके से जवाब नहीं देने से। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप कमेंट बॉक्स में हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। एसआरबी से महेंद्र सिंह कुशवाहा।